पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर में भी हुए। फतेह सागर किनारे राजीव गांधी उद्यान में आप ये नज़ारा देख रहे हैं। कई पदाधिकारी यहां पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हालांकि लॉकडाउन का दौर चल रहा है और श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए पदाधिकारियों की संख्या भी काफ़ी कम थी। जिस जोश और खरोश के साथ अपने नेता की पुण्यतिथि मनाई, यह संदेश आम कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की कि जिस तरह से प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने देश के विकास की गंगा बही और संचार क्रांति में विशेष योगदान दिया। सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला के नेतृत्व में यहाँ आयोजन हुआ। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों ने भी यहाँ पहुँचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना जोश है कि पेडेस्टल के ऊपर चढ़कर अपनी हाजिरी लगाई, ये देख रहे हैं आप। पीसीसी के प्रदेश सचिव पंकज शर्मा हैं जो कड़कड़ाती गर्मी में नंगे पैर पहुँचे पेडेस्टल पर और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश दिखा और कई आयोजन हुए। राजीव गांधी प्रतिमा स्थल पर ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। पंक्तियाँ काफ़ी सारगर्भित हैं और संदेश दे रही हैं, लेकिन यहाँ आने वाले कार्यकर्ता या तो पुण्यतिथि पे आते हैं या जयंती पर आते हैं। सार संभाल जिस तरह से होनी चाहिए महापुरुषों के प्रतिमा स्थलों की, उस तरह से नहीं हो पा रही है। आधार स्तर पर जिस तरह की कवायद होनी चाहिए, उस कवायद में कहीं न कहीं चूक हो रही है। हालांकि कोरोना का समय, महामारी का समय चल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार, प्रशासन और कार्यकर्ता पदाधिकारी ध्यान दें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है और यहाँ राजीव गांधी पार्क में हम हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में यह राजीव गांधी पार्क है जहाँ पर अभी पुण्यतिथि के उपलक्ष में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह जी झाला हमारे साथ में है। राजीव गांधी का योगदान देश को एक अभूतपूर्व योगदान था, संचार क्रांति के जनक रहे राजीव गांधी, क्या कहना है इस पुण्यतिथि के अवसर पर? जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री युवा नेता राजीव जी गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। मैं देहात जिला कांग्रेस की ओर से, मेरी ओर से, शहर कांग्रेस की ओर से सत नमन करता हूँ। राजीव गांधी जी ने इस देश को जो आगे बढ़ाया है, देश की जो क्रांति पैदा की है, आज दूरसंचार क्रांति राजीव गांधी की देन है। जो लोग कंप्यूटर मामले में समझते नहीं थे, वो राजीव गांधी की देन है। 18 साल के नौजवान को वोट देने का अधिकार राजीव जी की देन है। पंचायत राज को अधिकार देने का राजीव जी की देन है। राजीव जी ने वो फैसले किए, देश का युवा, देश का गरीब, मजदूर, किसान, राजीव जी ने जो भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग आज ये कहते हैं, राजीव जी ने उस टाइम कहा था, मैं 1 रुपया बेचता हूँ 15 पैसा गांव के अंदर बेचता है। भ्रष्टाचार
बेईमानी के बाद राजीव गांधी उस समय कह चुके थे, और हम सब कांग्रेस जनों को राजीव जी की इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सबको मिलकर राजीव जी ने बताए थे सिद्धांत, उनके बताए हुए आगे बढ़ें। आज पूरा देश के अंदर कोरोना की महामारी फैल रही है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, राज्य सरकार हो, दिशा निर्देश की हम पालना करें, जो व्यवस्था बना रखी है उसकी हम पालना करें। कोरोना से हमको लड़ना है, हम सब मिलकर राजनीति से ऊपर फैसला करेंगे, कोरोना को हम हरा पाएंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो नियम और कानून बना रखे हैं उसकी हम पालना करें। इस राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मेरी ओर से पुनः मैं सबसे नमन करता हूँ। जी जला साहब, जिस तरह से कोरोना महामारी का समय चल रहा है, लेकिन राजनेता हैं वो अपनी राजनीति छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे गुलाबचंद कटारिया हो, अशोक गहलोत हो, रघुवीर मीणा हो, सब अपने अपने बयान दे रहे हैं, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। क्या इस समय ऐसी बात करने का समय है, या क्या कहना है आपका, क्या संदेश? इस कोरोना महामारी के अंदर राजनीति करने का समय नहीं है। राहुल जी गांधी जी ने 12 फरवरी को ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें बंद करो, जब मंत्री और दूसरे नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया था, आज वो सारी चीज़ें सामने आ रही है। राहुल जी गांधी ने कोई राजनीति नहीं की थी, देश को बचाने की बात कही थी, पर आज जिस तरह महामारी फैल रही है हमको समझने की आवश्यकता है, राजनीति की अवस्था नहीं है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जो गरीब मजदूर पलायन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदल कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से आपने देखा होगा किस तरह नन्हे मुन्ने बच्चे पैदल चल रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए, 1000 बसों की व्यवस्था की राजनीतिक कारण बसों को रोक रखा है। क्यों नहीं राजनीति की जा रही है, उन गरीब मजदूर की सहायता देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा रेल का भाड़ा है, जो भी जाना चाहता है सारी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी, जो राज्य है हमारे, वो व्यवस्था करेंगे। सोनिया गांधी ने निर्णय किया, इतना बड़ा निर्णय किया, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो सोनिया गांधी ने निर्णय किया, हम ट्रेनें लगाएं, बसें लगाएं। गरीब आदमी इस कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में, जो गरीब आदमी शहर के अंदर जाकर शहर को आगे तरक्की और उन्नति का रास्ता दिखाता था, आज वही गरीब आदमी शहर छोड़ के गाँव के अपने घर की ओर जा रहा, उसके मन में एक ही तकलीफ है, घर कैसे पहुँचूँ, घर की राहत में 1200-1300 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं। हमें सोचने की व्यवस्था है, राजनीति का समय नहीं है, हम सब मिलकर इस कोरोना को लड़ने के लिए एक होकर हमें लड़ना चाहिए। लेकिन जल साहब, जिस तरह से यूपी में विधायक आदित्य सिंह ने भी इस पर मामला उठाया था कि प्रियंका गांधी को भी उन्होंने वो दी थी नसीहत, क्या कहना है? कांग्रेस में ही इस तरह से वो लोग कह रहे हैं, नसीहत देने की बात कहाँ रही? प्रियंका गांधी ने अपने एक गरीब मजदूर किसानों की हित की बात की है, गरीब आदमी पैदल पलायन कर रहा है उसके लिए व्यवस्था की है, तो कहाँ राजनीति की बात है? कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं, उनकी मैं उनको कहना चाहता हूँ इस तरह का भाषा का इस्तेमाल न करें। हमें आज सभी कांग्रेस जनों को मिलकर इस कोरोना महामारी के संकट की लड़ी में एक होकर लड़ना है, हमारे नेता सब एक हैं, हम सब मिलकर एक लड़े इस कोरोना महामारी को खत्म लड़ने के लिए, हम सबको एक होना पड़ेगा। यहाँ आदिवासी इलाका है, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, और आपकी क्या मांग है कि आगे और इस तरह से व्यवस्था में सुधार हो? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, राजस्थान के प्रधान सचिन जी पायलट ने सत्ता और संगठन मिलकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान ने उदाहरण पेश किया है। आप गरीब आदमी के लिए राशन की व्यवस्था हो, पेंशन की व्यवस्था हो, तमाम चीज़ें उसके एडवांस के खाते में डाली है, कहीं ऐसी कोई उसको तकलीफ ना आ जाए, इस कोरोना महामारी के अंदर तकलीफ ना आ जाए, कष्ट ना आ जाए। आज मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मैं देहात जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लगातार हमसे संपर्क में, हम भी बात करें वो भी करें, राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस वो भी लगातार हमसे संपर्क में, यही नहीं इतनी जोरदार व्यवस्था कर रखी है, राजस्थान के जो प्रभारी मंत्री है वो हमसे संपर्क में है, एक IAS अधिकारी को बिठा रखा है, कोई भी तकलीफ हो बस, तो इस कोरोना महामारी के अंदर किसी लोग को तकलीफ ना हो, कष्ट न हो, मजदूर को कष्ट न हो, ये सारी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हम आभार प्रकट करना चाहते, जो उदाहरण पेश किया है, राजस्थान के जो हमारे उप मुख्यमंत्री है सचिन जी पायलट ने, उन्हें उदाहरण पेश किया है, हिंदुस्तान के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की तारीफ की, ये व्यवस्था है। कोई लोग कहते हैं राजस्थान के अंदर डाको जो व्यवस्था कर रखी है, कहीं भी तकलीफ नहीं। आज राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, जिस राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का विरोध किया जा रहा था, आज वही राष्ट्रीय रोजगार गारंटी वरदान साबित हो रही है। 40,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की, 40,000 रुपये और बढ़ाया जाएगा, ये आज उदाहरण है। ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी गरीब को मजदूर दे रही है, एडवांस को पैसा दिया जा रहा है, गरीब को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, सारी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने, चाहे राशन की व्यवस्था हो, अन्य कोई व्यवस्था हो, मेडिकल की व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो, सारी मैं उन सब करुणा जो वो हमारे वीर हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं,
पुलिस वाले हैं, सबने मिलजुल कर्मचारी अधिकारी सबने पूरी ताकत से मिलकर इस कोरोना महामारी को लड़ने के लिए जो हमारे योद्धा है वो पूरी ताकत से लड़े हैं, घर बार छोड़कर इस कोरोना महामारी को और हमको बचाने में लगे हुए हैं, आम जनता आम आदमी को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन जल साहब, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस महामारी में सक्रिय रूप से नहीं रही, चाहे शहर जिला हो देहात जिला हो, सारे पदाधिकारी लॉकडाउन में घर में बैठे रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके मैदान में डटे रहे, ये आरोप लगा रहे, क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जानकारी नहीं होगी, 26 मार्च को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने निर्देश दिया सभी जिला कांग्रेस अपने एरिया में कमेटी गठित करे। हमने उसी टाइम में हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो एमएलए प्रत्यक्ष एमएलए हैं, उनको वहां नियुक्त किया गया। आपके माध्यम से जिलाधीश महोदय को लिस्ट दी, गांव के अंदर कोई तकलीफ हो कष्ट हो वो ब्लॉक अध्यक्ष सीधी बात करेगा, जो हमारे एमएलए साहबान है जो एमएलए प्रत्यक्ष वो बात करेंगे। हमने सारी व्यवस्था, उसके बाद हमको निर्देश दिया गया कंट्रोल रूम बनना चाहिए, देहात जिला के पदाधिकारी कंट्रोल रूम बनाया, 4 आदमी बैठते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करते हैं, जानकारी नहीं है, कहीं भी ऐसी तकलीफ नहीं हो, हमारे पास जो सूचना आई होगी प्रशासन को हमने अगवा किया होगा, उसी टाइम तुरंत कार्रवाई हुई, कहीं तकलीफ नहीं है। कई लोगों को दिक्कत आ रही है, कहीं राशन नहीं पहुंच रहा था, कहीं खाने के पैकेट नहीं पहुंचते, जो भामाशाह जो उद्योगपति व्यवस्था कर रहे थे उनसे भी हमने संपर्क किया। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, चाहे वो पैकेट की व्यवस्था हो, चाहे सैनिटाइज की व्यवस्था हो, चाहे मास्क की व्यवस्था हो, सारी की शहर कांग्रेस भी अपने लेवल पर पूरी ताकत से लगी हुई है, कहीं कोई कमी घमी नहीं। जो किट हमारा वितरण नहीं होते शहर के अंदर, शहर के हमारे जो पार्षद हैं अन्य हमारे नेतागण ने पूरी ताकत से लगाया और किट व्यवस्था की, कहीं ऐसी कमी घमी नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हुए हैं, कोई कमी घमी नहीं छोड़ रहे, कोई कमी खामी नहीं छोड़ रहे हैं। और जिस तरह से व्यवस्था की जानी है उस तरह से व्यवस्था सरकार की तरफ से हो रही है। हमारे साथ में के शर्मा जी भी हैं, आप बताएं जिस तरह से शहर में व्यवस्था की गई है नगर निगम के विभिन्न वार्डों में, क्या कहना है आपका? देखो, हमारे पहले तो मैं इस राजीव जी की पुण्यतिथि के ऊपर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उस शख्सियत को जिसने इस देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए बहुत कुछ आयाम दिए। आज जो कुछ भी मोबाइल वगैरह जो भी आज हम इसके ऊपर भी देखते हैं, सारा श्रेय जाता है राजीव गांधी को। अब आप जो विकास की बात कर रहे हैं, इस कोरोना पीरियड के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने सक्रिय रहे नहीं रहे, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, उदयपुर के अंदर जो हमारे पार्षद हैं, वर्तमान पार्षद और जो पार्षद का चुनाव लड़े हैं, सभी अपने अपने वार्डों के अंदर बराबर लगे हुए हैं। और आप देखिए, हर जगह जो भी पानी की बिजली की जो भी समस्या, बराबर अधिकारियों से संपर्क में है। और सबसे विशेष तौर से जिन लोगों के पास खाद्य सामग्री नहीं पहुंची है उनको बराबर डीएसओ से बात करके बराबर खाद्य सामग्री पहुँचाने की पूरी व्यवस्था की है। एक थोड़ा असमंजस की स्थिति हमारे राशन कार्ड के अंदर डाल रखी है कि इसके छाप लगी हुई कितनी लगी हुई है, ये थोड़ा भेदभाव उसके अंदर रहा है, तो इसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कल परसों उन्होंने आदेश निकाले हैं सभी लोगों को, जितने लोग हैं जिसके का वो राशन के ऊपर खाद छाप लगी है या नहीं लगी है, सभी लोगों को राशन उपलब्ध कराने की, वो निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, उस आदेश आग भी गए होंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि आप खाली ये भारतीय जनता पार्टी खाली हवा हल्ला करती है, कुछ लेना देना नहीं है। आज आप मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता ही करता हूँ, मैंने इस 25 दिन के अंदर कम से कम 28,000 पैकेट हम सब लोगों ने मिल करके बांटे, तो आज कहीं कहीं तो श्रेय जाता ही है कांग्रेस पार्टी को। आज मैं कुछ काल की भी हूँ लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ जो सब लोगों ने मिलकर के किया। तो आप ये खाली एक ये सोचना कि खाली भारतीय जनता पार्टी कुछ काम कर रही है, कोई लेना देना नहीं है, केवल मात्र उन्होंने क्या होगा उनकी जगह ठीक है वो, लेकिन इसमें खाली कांग्रेस को आप ब्लेम दो, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने सब कुछ किया, गिरिजा जी ने भी सबसे टेलीफोन से सबसे बात करके सबको सक्रिय किया, सबके हालचाल पूछे, कहा कोई खामी है तो उसको पूरी करने की बात की है। अध्यक्ष जी ने शहर जिला का अध्यक्ष जी ने गोपाल कृष्ण जी ने भी सब लोगों से टेलीफोन से बातचीत करके बराबर संपर्क में रहे। कुल मिला के बाद ये खाली हम एक प्रोपोगंडा करके हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप जाकर के किसी भी वार्ड में हमारे कार्यकर्ताओं को पूछ लो कि कांग्रेस कमेटी के लोगों ने, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आपसे संपर्क किया नहीं, कि आपको कोई समस्या थी, उस समस्या को उन्होंने सुलझाया नहीं सुलझाया, ये आपको पता लग जाएगा। बाकी ये खाली इनका प्रोपोगंडा का इनका रोज का काम है, तो ये करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। जिस तरह से विकास की बात हो या समस्या की बात हो, समाधान सरकार करती है और समस्या का समाधान करवाने के लिए बस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सक्रिय होने की जरूरत है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि से कार्यकर्ताओं में यही संदेश देना चाह रहे हैं पदाधिकारी।
हेमेंद्र श्रीमाली उदयपुर। श्रद्धांजलि की इस कड़ी में हमारे साथ में युवा नेता पंकज शर्मा हैं और बड़ी मेहनत से ये प्रतिमा स्थल तक पहुंचे भी हैं और इन्होंने सूत की माला राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित की है। काफ़ी गर्म स्थान होने के बावजूद भी आप नंगे पैर चढ़े, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? माननीय हेमेंद्र श्रीमाली साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र नायक स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संदेश देना चाहूँगा कि राजीव जी ने कभी भी राजनीति के लिए राजनीति नहीं की। उन्होंने देश और देश हित को स्वरूप ही रखा, चाहे वो 18 वर्ष का मतदान हो, चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण का मामला हो, चाहे लोकसभा का मामला हो, चाहे विधानसभा का मामला हो, उन्होंने देश हित को स्वरूप ही रखा। आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब नागरिकों को देश के उस महान विभूति जिसे पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व का सभी विश्व के लोग आदरणीय राजीव गांधी जी को बहुत सम्मान के साथ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। इस कोरोना संकट के समय मैं सभी देशवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि वो देश हित को सर्वोपरि माने और देश की एकता अखंडता के लिए अपने आप को न्योछावर करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस महामारी के दौरान भी राजनीति हो रही है, एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे पार्टी के नेता राजनीति के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या कहना है आपका? कांग्रेस पार्टी के आदरणीय श्रीमाली साहब, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद का अगर आप इतिहास देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, आदरणीय सोनिया जी, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, या हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हों, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों, आज़ादी के पहले का इतिहास और आज़ादी के बाद का इतिहास, जब कभी देश पर संकट आया है तो कांग्रेस पार्टी की ऐसी पार्टी रही जिसने देश हित को सर्वोपरि माना है। और जहाँ तक राजनीति का करने का सवाल है, देश के मतदाता और नागरिक सब अपने आप समझते हैं कि कौन सी पार्टी और कौन सा राजनीतिक दल सत्ता के लिए राजनीति कर रहा है या देश हित के लिए राजनीति कर रहा है। तो समय पर देश के नागरिक, देश के मतदाता सब राजनीतिक पार्टियों का उपचार कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है, लेकिन प्रतिमा स्थल पे जिस तरह से जो बना हुआ है वो काफ़ी जर्जर का हालत में हो रहा है। प्रतिमा का जो रंग है वो काफ़ी पुराना हो गया है, क्या आप मानते हैं कि इसमें कुछ न कुछ होना चाहिए सुधार? जिला प्रशासन को हमने पहले भी निवेदन किया था जी, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हमने पत्र लिखा और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी लोकप्रिय कलेक्टर श्रीमती आनंदी जी ने दो वाटर कूलर कांग्रेस सरकार आने के बाद राजीव गांधी उद्यान को दिए। नगर विकास विन्यास के हमारे सचिव अरुण हसीजा जी ने, जो भी ACA या एक्शन है, INJN है, सभी राजीव गांधी की रखवाली के लिए, गार्डन की महफूजी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात जहाँ तक आप खुद देख रहे हैं कि अभी 11:30 बजी है और तापमान, धूप इतनी चिलचिलाती है कि अगर आप शाम को 6 बजे भी इस गार्डन में पानी दें तो 1 घंटे बाद ऐसा लगता है कि पानी दिया ही नहीं है। फिर भी श्रीमाली साहब, आपका आदेश सर्वोपरि मानकर हम जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इस अच्छे काम को और किस सोचा और किस तरीके से और अच्छा से अच्छा कर सके उसका प्रयास करेंगे। जिस तरह से संदेश दिया है कि कार्यकर्ता एक होके और सेवा भाव में लगे रहें और राजनीति को छोड़ के और सेवा का कार्य करें, और ये स्थल है सबके लिए जो पर्यटकीय स्थल बन गया है एक उदयपुर का अहम, वो सबसे सुंदर हो और अच्छा हो, यहाँ पे आके यहाँ स्थानीय नागरिक ही नहीं पर्यटक लोग भी आत्मानुभाव की अनुभूति करें, आनंद भाव की अनुभूति करें। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।